बटियागढ़ के हरदुआ जामसा ग्राम में दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। 24 घंटे तक चलने वाले दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन भगवती मानव कल्याण संगठन के बैनर तले किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। माता के भक्तों की मौजूदगी रही, गुरुवर के भक्तों की मौजूदगी रही। माता की जयकारे, गुरुवर की जयकारे के साथ दुर्गा चालीसा पाठ का समापन हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर उपस्थित नजर आए। अनुष्ठान भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। 5 घंटे का चालीसा क्रम, आरती क्रम एवं 24 घंटे के चालीसा क्रम जो गुरुवाई गुरुवान के घर में होते हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरुवर ने कहा है कि माँ की साधना जहाँ नशा मुक्त एवं साथ द्वारा होती है वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की सूक्ष्म रूप में उपस्थिति होती है भी होती है। जब अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं तो भी अनुष्ठान सबसे बड़ा अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में आपने इस घर वालों ने सब नाते रिश्तेदारों को बुलाया है। सभी गुरुवाइयों को इस बात की खुशी होती है, उनने सभी गाँव वालों से कहा है और अपने रिश्तेदारों से कहा है। इसी प्रकार गुरु जी का कहना है जो एक शुभ अवसर आने जा रहा है जो 19 और 20-21 को सिद्धार्थ धाम में शिविर लगना है तो सभी गुरुवाई संकल्प शिविर लगना है। तो गुरुवाई जी ने संकल्प कराया है कि हर गुरु भाई अपने साथ नए 5 सदस्य सिद्धार्थ धाम लेके चल रहे, तो माँ की कृपा गुरुवाई की कृपा अवश्य आपके ऊपर बरसेगी। अति ही सौभाग्य के वह क्षण होते हैं जब हम सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में यह साधना करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस कली काल में यह संभव नहीं है कि गुरुदेव भगवान की यह साधना हम कर सके, क्योंकि अनेक प्रकार के हमारे अवगुण है तो हम वह साधना की ओर नहीं बढ़ पाते, चाहे कर भी हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन हमें गुरुदेव भगवान के पावन चरणों से जुड़कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि इस कली काल में से लड़ने की हमें क्षमता प्राप्त हो, सामर्थ्य प्राप्त हो, तभी हम गुरुदेव भगवान के इन पावन चरणों में जुड़कर कली काल का सामना कर पाएंगे। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हम सबका आह्वान किया है कि आइए इस भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ करिए, क्योंकि अगर हमने संकल्प बद्ध हो